नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। इस वक्त की तमाम अपडेट के साथ मैं हूँ आसिया। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम से 5 जबकि कांग्रेस के 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस कोटे से बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं जेएमएम कोटे से चंपाई सोरेन, जोबा मांझी, हाजी हुसैन अंसारी, जगन्नाथ महतो और मिथिलेश ठाकुर भी मंत्री बनाए गए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आज 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 2 कांग्रेस से और 5 जेएमएम कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस से बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। ये तस्वीर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जेएमएम कोटे से 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है जबकि कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। आज 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, इंतजार था सभी को कि कब हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा। इससे पहले भी 24 तारीख को जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने की बात सामने आई थी तो चाईबासा की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने इसे स्थगित कर दिया था और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कांग्रेस कोटे से 2 विधायक मंत्री बनाए गए हैं जबकि जेएमएम से 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। चंपई सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो ने, जोबा मांझी, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं कांग्रेस से 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।